आईपीएल के 29वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मैच में चेन्नई की ओर से 10 गेंदों में ताबड़तोड़ नाबाद 25 रन और किफायती गेंदबाजी कर एक विकेट झटकते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपनिंग के लिए सैम करन को भेजा, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में फाफ दुप्लेसी अपनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। सैम करन ने 21 गेंदों में 31 रन बनाए, लेकिन पांचवें ओवर में 35 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। इसके बाद शेन वॉटसन ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 81 रन जोड़े। अंबाती रायडू ने 34 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, लेकिन 16वें ओवर में 116 के स्कोर पर वो खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। 17वें ओवर में 120 के स्कोर पर शेन वॉटसन भी टी नटराजन की गेंद पर 38 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 13 गेंदों में 21 रन बनाए और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम को 19वें ओवर में 150 के पार पहुंचाया, लेकिन उसी ओवर में टी नटराजन की गेंद पर धोनी आउट हो गए। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने 10 गेंदों में ताबड़तोड़ 25 रनों की पारी खेली और जिसकी बदौलत चेन्नई 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 167 रन बना सकी। चेन्नई की ओर से शेन वॉटसन ने 38 गेंदों में एक चौके और तीन छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, जबकि हैदराबाद की तरफ से संदीप शर्मा, खलील अहमद और टी नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। 168 रनों के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पावर प्ले के अंदर उन्हें दो बड़े झटके लगे। चौथे ओवर में सैम करन ने डेविड वार्नर को 9 रन और उसी ओवर में मनीष पांडे 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए और 27 रन के स्कोर पर हैदराबाद के 2 विकेट गिर गए। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने 24 गेंदों में 23 रनों की धीमी पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 10वें ओवर में 59 के स्कोर पर उन्हें आउट कर दिया। 10वें ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। हालांकि केन विलियमसन ने यहां से एक छोर संभाले रखा और टीम की जीत की उम्मीदों को बनाए रखा, लेकिन 15वें ओवर में टीम के 99 के स्कोर पर प्रियम गर्ग के 16 रन बनाकर आउट होने से हैदराबाद को चौथा झटका लगा। फिर 17वें ओवर में 117 के स्कोर पर विजय शंकर 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच केन विलियमसन ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 18वें ओवर में 126 के स्कोर पर विलियमसन 39 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर कुल 147 रन ही बना सकी और चेन्नई ने 20 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। हैदराबाद की ओर से 39 गेंदों में 7 चौके की मदद से सबसे ज्यादा 57 रन केन विलियमसन ने बनाए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से करण शर्मा और ड्वेन ब्रावो ने 2-2 और सैम करन, रविंद्र जडेजा एवं शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया। मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 10 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ नाबाद 25 रन और किफायती गेंदबाजी कर एक विकेट झटकते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं बुधवार को आईपीएल के 30वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। We'll be right back.